हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, जो छात्र नीट की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, उन छात्रों का इंतज़ार जो है अब समाप्त हो चुका है और यहां पर जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आपको मैं लेकर चलता हूँ MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है मैं नीट की हर अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आकर सर्च करना है आपको MCC, ठीक है। जैसे आप MCC सर्च करेंगे, आपके सामने जो है MCC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, MCC.NIC.IN, ठीक है। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है MCC पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने MCC की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी इस तरह की। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर एक तो तीन ऑप्शन देखेंगे, PG मेडिकल काउंसलिंग, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल काउंसलिंग। यहाँ पर आपको UG मेडिकल काउंसलिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू सीट मैट्रिक्स, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए MCC ने सीट मैट्रिक्स छात्रों के लिए अवेलेबल कर दी है और यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, काउंसलिंग नेम यहाँ पर देख रहा है, काउंसलिंग नेम पर आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा आप ऑल इंडिया सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, AFMMC ESI, ठीक है, ये बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, दिल्ली स्टेट DU, ठीक है, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, तो यहाँ सभी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आपको ऑल इंडिया सीट। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी है। मान लीजिएगा मैं दिल्ली यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम में मैं यहाँ मान लीजिएगा चूज़ कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल इंडिया सीट ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा जो है वो कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। तो मान लीजिएगा मैं ये कैप्चा यहाँ पर फिल करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैप्चा जो है यहाँ पर फिल कर दिया है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर शो का ऑप्शन दिख रहा होगा और इस शो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रेंड्स आप इस पर शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो काउंसलिंग के लिए राउंड वन की जो सीट है वो कितनी सीट है यहाँ पर इस कॉलेज में। तो MBBS के लिए राउंड वन के लिए सीट टोटल, UR के लिए 10 सीट है, ठीक है, URPWD के लिए कोई सीट नहीं है, SC के लिए 3 सीट है, SCPWD के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 6 सीट है और OBCPWD के लिए इसमें कोई सीट नहीं है, ST के लिए 2 सीट है और STPWD के लिए कोई सीट नहीं है और EW के लिए 3 सीट है, PWD के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल इस कॉलेज में 25 सीटें हैं, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो मैंने कॉलेज चूज़ किया वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, वहाँ पर जो है ऑल इंडिया सीट के लिए टोटल 25 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मैं दूसरे राज्य की यहाँ पर सीट जो देखता हूँ, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिएगा मैं यहाँ पर जो है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी देखता हूँ ऑल इंडिया सीट के लिए। यहाँ पर मैं कैप्चा ये फिल कर लेता हूँ, ठीक है, कैप्चा यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तो मैं कैप्चा फिल करता हूँ अभी और आपको बताता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं शो पर क्लिक करता हूँ। जैसे शो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी सीट निकल कर नहीं आई, यानी कि कह सकते हैं आप उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर में है BRD, इसमें ऑल इंडिया सीट के लिए कोई भी यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया सीट जो लिखा है, ऑल इंडिया सीट के लिए मैं यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं हम कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। तो दिल्ली NCT में ही हम पहले देखते हैं, तो दिल्ली NCT के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी न्यू दिल्ली यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट पेड पर क्लिक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको NRI सीट देखनी है, जैन माइनॉरिटी की देखनी है, मुस्लिम की देखनी है, मैनेजमेंट पेड सीट देखनी है। तो मैनेजमेंट पेड सीट की हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कैप्चा आपको फिल करना है इसमें, ठीक है। कैप्चा आपको एजेटेड वही यहाँ पर फिल करना है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, सेम टू सेम कैपिटल हो चाहे स्मॉल में हो। शो पर क्लिक करना है, शो पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी डिड पिन नॉट मैच, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जो सिक्योरिटी पिन है थोड़ा गलत हो गया, मैं सही से डाल देता हूँ उसे।
तो देखिए अब यहाँ पर हम सो पर क्लिक करते हैं। सो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। जैसा कि यहाँ पर अगर सीट अवेलेबल होती तो यहाँ पर आप देखने को मिलता। तो इस तरह से छात्र अपनी सीट मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। और जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो यहाँ पर काउंसलिंग से पहले आप अपनी सीट मैट्रिक्स जरूर देख लें। ऐसा ना हो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कहीं पर भी जो है अपनी सीट डाल दें और वहाँ पर आपके लिए कोई सीट अवेलेबल ना हो। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि काउंसलिंग से पहले, चॉइस फिलिंग करने से पहले यहाँ पर अपनी सीट मैट्रिक्स जरूर देख लें, क्योंकि बाद में पता चला आपने सीट तो फिल कर दी, काउंसलिंग के लिए कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, पता लगा आपके लिए वहां पर कोई सीट ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको वहां दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। आपको कैसी वीडियो लगी नीचे कमेंट में बताइए।